Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? आज का दिन स्टार्ट होता है किचन की मरम्मत से. आज मुझे किचन में काफ़ी ज़्यादा काम था. मुझे किचन की जो बास्केट थी उसको निकाल कर जितना भी पुराना जो भी मतलब फेंकने वाला स्टॉक था वो मैंने आज फेंका है. और बाकी इसके बाद आज मुझे बनाना था चिकन पालक, तो मैंने चिकन निकाल के रख ली थी. और आज मुझे बनाना था केक, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले बोला था कि मुझे केक बनाना है, बट उसका ब्लॉग मैं शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे टिकटॉक में थोड़ा मसला हो चुका है, तो वॉइस ओवर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया. और ये मैंने केक के लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया सब कुछ बनाना. और ये जो शुगर है उसको मैंने मिक्सी में डाल के उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है. उसके बाद जो है मैंने बाउल में डाल दिया है और अब मैं अंडे डाल दूँगी. उसके बाद ये मैंने मैदा डाला है 2 कप, छान के डालना है आपने. और उसके बाद जो मैंने डाला है वो बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डाला है. बेकिंग पाउडर जो है वो एक चम्मच डाला है और बेकिंग सोडा. सो गाइस, और ये हो गई व्हिपिंग क्रीम. अब हम इसको व्हिप कर लेंगे मशीन के साथ. अच्छे से व्हिप करना है और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक कलर, क्योंकि मैं इसमें बहुत थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करूँ तो वो ग्रे टोन देगा, बिल्कुल जेड ब्लैक नहीं होगा, लाइट सा ग्रे रहेगा. एंड अब मैंने चेक किया है कि वो नहीं गिर रही, और क्रीम की यही पहचान है कि अगर गिरे ना तो ही वो सही होती है. और यहाँ मेरा केक हो चुका था और मैंने इसमें क्रीम डाल के इसे अच्छे से डेकोरेट भी कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं क्रीम डाल रही हूँ. और फिर उसको मैंने अच्छे से रख दिया था. और यहाँ बना लिया मैंने शेक, जिसके लिए बनाना ले लिया है, पीनट बटर ले लिया है, मैंने शुगर ले ली है और मिल्क ले लिया है. और अच्छे से कर लिया है मैंने इसे ग्रैंड. और फिर मैंने इसे निकाल लिया है और फिर इसको मैंने शेकर में डाल लिया और अपने भाई को दे दिया, क्योंकि मैंने उसके लिए बनाया है. मैं तो वैसे इतनी हेल्दी हूँ, मैं पीऊँगी तो मैं और कहाँ जाऊँगी. तो ये हो गया बड़ा कमज़ोर, क्योंकि बीच में इसको हो गया था पी लिया. तो सो गाइस, मेरा केक और मेरा शेक दोनों चीज़ रेडी हो गई थी. जितना भी मेस क्रिएट हुआ था सब मैंने क्लियर कर दिया. वैसे अब तो इतना मेस नहीं होता, क्योंकि पहले मैं नया नया केक बनाना शुरू हुई थी तो ज़्यादा मेस होता था. अब इतना मेस मैं नहीं डालती, लाइक इतना गंद नहीं डालती मैं. उसके बाद जितना भी फ्रूट मंगाया था मैंने सब कुछ वो भी क्लियर कर लिया, सब सेपरेट वगैरह करके रख लिया, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट शेक वगैरह बनाने के लिए आता है हमारे घर में, लोग खाते नहीं है, जूसेस वगैरह बना के पी लेते हैं, खाया नहीं जाता भाई हमसे फ्रूट, साफ सीधी सी बात है. खैर, और इसके बाद जो भी लाइक जितना भी था केक का, जितने भी आइटम्स थे वो भी सब उसके बॉक्स वगैरह में डाल के मैंने रख दिया अच्छे से सब कुछ संभाल लिया. दरअसल शेक वगैरह आजकल हम इसलिए मेरे भाई को पी लिया हो गया था बीच में, तो इस वजह से. और यहाँ पे हम हो गई शाम की चाय बन गई और ये मेरा केक हो गया था रेडी. और यहाँ हो गई थी मामा से बात, उस मामा को चीयर्स किया, साथ खाया केक. ये मेरे इतने बड़े बड़े चीक्स जो आप देख रहे हैं कि मैं मीठा खा के ही हुआ है, मैं बहुत मीठा खाती हूँ और किसी दिन मीठा खा खा के मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी. बट खैर, मैं बीच में डाइट भी स्टार्ट कर देती हूँ. और मेरा केक इतना मज़े का बना था. अल्लाह हाफिज़.